अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल कयामत एपिसोड 11 में आप देखेंगे जवाद जुफरा को पसंद करता है। जवाद के वालिद मुख्तार साहब पहले अपने बड़े बेटे राशिद के लिए समरा का हाथ मांग चुके हैं और समरा बिन की बहू है, और अब वो अपने छोटे बेटे जवाद के लिए इफरा का हाथ मांगने आते हैं। लेकिन मुख्तार साहब की बीवी इफरा को बहुत नापसंद करती है, क्योंकि वो जानती है इफरा अपनी बहन समरा की तरह इनका जुल्म और तशद्दुद हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी और इनको मज़ा चखा देगी। इधर इफरा की बहन समरा सोचती है, अगर मेरी बहन इफरा इस घर में आ गई तो मेरा एक मजबूत सहारा बन जाएगा और फिर राशिद और उसकी वालदा मुझ पे तशद्दुद नहीं कर सकेंगे। मक्कार राशिद की मक्कार वालदा उसे कहती हैं, ये इफरा एक नंबर की चालाक मक्कार और तेज तरार और बहुत ही बड़ जबान लड़की है, और ये सारी पटियाँ ना तेरी बीवी समरा की पढ़ाई हुई हैं। तो राशिद शदीद गुस्से में समरा की तरफ जाता है और समरा का मुंह दबोच के कहता है, अरे खुद तो तू जबरदस्ती इस घर में आ ही गई और अब अपनी बहन को भी इस घर में लाना चाहती है। और मक्कार राशिद लिपस्टिक उठा के नहायत ही बेहुदा अंदाज से समरा के मुंह पे मल देता है और कहता है, अभी और इसी वक्त अपने बाप को फोन कर और उसको बोल अभी इस रिश्ते से इनकार करे, वरना तेरी खैर नहीं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है, शुक्रिया।